हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और मेरे हरे कृष्णा चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग बना रही हूँ। आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ, मैं लाई थी एक कुर्ती अपने लिए। देखो ये रेड कलर की कुर्ती है, ये लाई थी मैं, ये मैं मार्केट से लाई थी। और आज मैं इसकी करूँगी अल्ट्रेशन। ये देखिए, ये इस तरह की कुर्ती है, मुझे ये पसंद आ गई थी। लेकिन ये जो है मुझे जो है बहुत साइज में बड़ी है। तो आज मैं क्या करूँगी, आज मैं इसकी करूँगी अल्ट्रेशन और मैं रखूँगी मशीन। और आज मैं इस कुर्ती की करूँगी अल्ट्रेशन। ये जो है मैं मार्केट गई थी, मुझे काफ़ी दिन हो गए, तो मैं ये कुर्ती ख़रीद के लाई थी अपने लिए, मुझे पसंद आ गई थी मार्केट में, तो मैं ले आई थी। तो साइज इसका बहुत बड़ा था, तो आज मैं इसकी करूँगी अल्ट्रेशन। आप सोचते होंगे क्या ये कभी कुछ करने लगती है, कभी कुछ करने लगती है। तो फ्रेंड मैं क्या करती हूँ, मैं जो है मुझे स्टिचिंग आती है, और जो है मैं जो अपने सूट वगैरह जो है मैं खुद ही अपनी स्टिचिंग करती हूँ, मुझे बाहर के पसंद नहीं आते हैं। और कुर्ती वगैरह भी मैं लाती हूँ तो उसकी अल्ट्रेशन मैं खुद ही करती हूँ। तो ये पड़ी है मेरी कुर्ती, और इसका मैंने एक जो है स्लीव्स जो है ये खोल ली है मैंने, अभी मैं इसको खोलूँगी। ये देखिए, अभी मैं इसको खोलूँगी। ये देखो, ये मैंने इसकी स्टिचिंग, ये जो है एक स्लीव्स खोल ली है, और अब मैं इसकी दूसरी स्लीव्स भी खोलूँगी और जो है इसको इसकी स्टिचिंग करूँगी, इसकी फिटिंग करूँगी। तो मैं कैसे करूँगी, किस किस तरह से करूँगी, ये आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो अब मैं इसकी करती हूँ, इसको पहले इसको सारा खोल लेती हूँ और जो है इसकी फिटिंग करती हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है मैंने इसकी स्लीव्स जो हैं अलग कर ली हैं दोनों, ये रही इसकी स्लीव्स दोनों। ये देखिए ये दोनों स्लीव्स, अब जो है मैं इसमें फिटिंग के लगाऊंगी निशान, और जो है मैं जो करूँगी इसकी अल्ट्रेशन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और अब मैं करूँगी इसकी अल्ट्रेशन बैठ के। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं किस तरह करती हूँ, अभी मैं इसमें लगाऊँगी निशान अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, अभी मैं इसमें निशान लगाऊँगी और फिर जो है मैं इसकी फिटिंग करूँगी। तो फिटिंग करके मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लगा रखी है मशीन अपनी, यहाँ पे जो है मेरे कपड़े हो रहे हैं वॉश और ये अपना होते रहेंगे। ये मेरी मशीन है सिलाई मशीन, और ये जो है मुझे मिली थी शादी में। और देखो इसका मैंने रखा हुआ है, जो इसका नीचे होता है लगाने का वो मैंने रखा हुआ अलग, ऊपर अलग रखा हुआ है। तो ये है टेबल, बेड टेबल, जिसपे जो है बच्चे काम वाम करते। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पर रख के जो है अपनी स्टिचिंग वगैरह मुझे कुछ करनी होती है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अब मैं करूँगी यहाँ पे बैठ के स्टिचिंग। ये पड़ी मेरी कुर्ती, ये पड़ी हुई है, अब मैं इसकी कर लेती हूँ स्टिचिंग। और जब ये हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फिटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने अपने कर लिए कुर्ते की फिटिंग। और आपको ये कैसा लग रहा है, देखो ये मैंने अपने आप ही फिटिंग करी है। अब ये मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी ये रेड के साथ या वाइट के साथ, किस चीज़ के साथ ये फिटिंग हो गई मेरी, कुर्ता हो गया मेरा रेडी। तो फ्रेंड ये मैंने आज बनाया था ब्लॉग छोटा सा अपनी स्टिचिंग का। और अभी जो है मुझे सिलाई मशीन मैंने रख दिया उठा के, और ये जो मेरी सिलाई मशीन थी, ये जो थी मेरी मैरिज की थी, मुझे मैरिज में मिली थी ये मशीन। और मैं जब भी मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं इसी से ही करती हूँ, अपना सूट वगैरह जो सिलना होता है मैं अक्सर अपने सूट जो है अपने खुद ही सिलती हूँ, मैं कभी भी रेडीमेड नहीं लाती। लेकिन अब जो है कोई अगर मुझे पसंद आ जाता है सूट तो मैं रेडीमेड भी ले आती हूँ, और जो है उसमें अल्ट्रेशन करवा लेती हूँ, खुद ही करती हूँ अल्ट्रेशन, मैं किसी से नहीं करवाती। और जो है मुझे स्टिचिंग भी जो है किसी की पसंद नहीं आती है, मैं खुद ही अपने सूट जो है स्टिच करती हूँ घर पर ही, और इसी मशीन से करती हूँ, यही मेरी मशीन है, इसी से करती हूँ हमेशा। तो अब मैंने आज ये आपको दिखाया कि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ और जो है घर का काम भी करती हूँ, और आपके लिए रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। तो फ्रेंड आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जो है मेरी वीडियो को देखा कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। तो जो मेरी आप
छोटी सी जो मेरी फैमिली बनी है बन चुकी है, तो उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे सपोर्ट किया थोड़ा सा, और अब मेरे जो हैं 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप अगर थोड़ा सा और मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, मुझे प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तो मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। तो फ्रेंड, कुर्ती मेरी हो गई है रेडी, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, कुर्ती मैंने अल्टरेशन कर लिया है और मशीन में जो है मेरे जो हैं कपड़े धुल रहे हैं और थोड़ी देर में वॉश हो जाएंगे और उसके बाद मैं उनको सुखा दूँगी। आज मौसम थोड़ा बारिश हो रही है, लेकिन कपड़े मेरे पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो अब क्या करूँ, धोने तो थे फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब मौसम भी थोड़ा ऐसे ही रहेगा, तो मैंने क्या करा, कपड़े भी धो दिए हैं और जो मेरे हो गए हैं वॉश कपड़े, और अब उनको मैं सुखा दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो फ्रेंड, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस ब्लॉग को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दे सकूँ, और आप मुझे कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती है। अगर कुछ कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली अच्छी सी, आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।